हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक रॉयल्टी अकाउंटिंग का लेक्चर लेकर आया हूँ। रॉयल्टी अकाउंटिंग, मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन बताया था कि रॉयल्टी क्या होता है ना। और इस वाले लेक्चर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे बात करूँगा। एक और चीज़ मैं बता दूँ स्टूडेंट्स की, यदि ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से आ गई तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपको रॉयल्टी अकाउंटिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे, टफ से टफ क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि रॉयल्टी क्या होता है। रॉयल्टी मतलब कोई एक पर्सन अपनी मशीन को दूसरे पर्सन को यूटिलाइज़ करने के लिए देता है और दूसरा पर्सन उस मशीन का उपयोग करता है और प्रोडक्शन करता है, और प्रोडक्शन के बेसिस पर जो मशीन का मालिक होता है, ओनर होता है, उसको कुछ अमाउंट देता है, कुछ पैसा देता है, और उसी को हम रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है, और इसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है, इसको हम रॉयल्टी अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, जो ओनर होता है मशीन का, उसको हम लेजर या लैंडलॉर्ड भी बोलते हैं, और जो रॉयल्टी देता है उसको हम लेजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, जो लेजर होता है ये ओनर होता है, ठीक है, याद रखना, और जो लेजी होता है वो रॉयल्टी गिवर होता है, रॉयल्टी गिवर होता है। ठीक है, ये दोनों शब्द, लेजर को ही लैंडलॉर्ड भी बोलते हैं, यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, जो कि हमारे रॉयल्टी अकाउंटिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए, पहला है हमारे पास में एक्चुअल रेंट, इसको AR बोलते हैं। एक्चुअल रेंट का मीनिंग ये है सिंपल सा, कि जो भी लेजी लेजर को प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन होता है उसके बिहाफ पर जो भी अमाउंट देता है एक्चुअल में, उसी को हम एक्चुअल रेंट बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि 100 टन प्रोडक्शन हुआ, पर टन पाँच रुपये पर टन है, तो टोटल कितना बना 500 रुपये। तो जो 500 रुपये लेजी लेजर को देगा, लेजी कौन, रॉयल्टी गिवर, लेजर कौन, जो ओनर को देगा पैसा, तो जो देगा इसको क्या बोलेंगे हम, एक्चुअल रेंट, ये 500 रुपये। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ। दूसरा है मिनिमम रेंट, इसको बोलते हैं न्यूनतम किराया। ठीक है, न्यूनतम किराया। अब मिनिमम रेंट क्या होता है, कि जब लेज़र लेजी को मशीन किराए पर देता है, किस बिहाफ पर, प्रोडक्शन के बिहाफ पर, कि भाई जितना प्रोडक्शन होगा उसके हिसाब से ये उसे पैसा लेगा। ठीक, मान लीजिए कि लेज़र ने लेजी को, यानी कि लेज़र को मालिक ने लेजी को मशीन किराए पर दी, और लेजी ने पहले साल उस मशीन को पूरा फिट करने में और उसको पूरा एडजस्ट करने में, पूरा प्लांट को जमाने में लगा दिया, और उसने कोई भी प्रोडक्शन नहीं करा। अब जब प्रोडक्शन नहीं करा, तो प्रोडक्शन नहीं करा है तो रॉयल्टी कुछ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में लेज़र को तो घाटा चला जाएगा, जो मालिक है वो तो घाटा चला जाएगा। उसने एक साल पहले आपको मशीन दे दी, मतलब लेजी को मशीन दे दी, और लेजी ने तो कोई प्रोडक्शन नहीं करा, और प्रोडक्शन नहीं करा तो इसका कोई पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि बात कैसे हुई थी, प्रोडक्शन के बिहाफ पर। तो उस कंडीशन में जो मालिक होता है, जो लेज़र होता है, वो एक एग्रीमेंट लेजी के साथ करता है मिनिमम रेंट का। वो बोलता है कि यदि आपने कोई भी प्रोडक्शन नहीं करा या नहीं हुआ प्रोडक्शन, तो सपोज़ करो उसने 1000 रुपये डिसाइड कर दिया, ठीक है, ये मिनिमम रेंट डिसाइड करा। ठीक है, तो उसने बोल दिया कि प्रोडक्शन नहीं भी होगा तो भी मैं कम से कम न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट का मतलब न्यूनतम किराया, मैं कम से कम 1000 रुपये तो लूँगा ही लूँगा। ठीक है, और यदि जिस साल प्रोडक्शन हुआ, मान लो प्रोडक्शन हुआ है 200 टन और 5 रुपये पर टन, तो कितना बना रॉयल्टी, 1000, और मिनिमम रेंट कितना था 1000, तो बात वही है, 1000 देना है। लेकिन मान लो प्रोडक्शन बना 100, ठीक है, 100 टन प्रोडक्शन हुआ, तो 5 के हिसाब से कितना बनेगा, 500। लेकिन लेज़र क्या बोलता है कि मैं कम से कम 1000 लूँगा, यानी कि आपका यदि रॉयल्टी 500 भी बना तो मैं 500 नहीं लूँगा, मैं तो 1000 पूरे लूँगा, यानी कि मैं या तो 1000 लूँगा या 1000 से ज़्यादा जो भी बनेगा वो लूँगा, 1000 से कम नहीं लेने वाला हूँ। यानी कि यदि 300 टन प्रोडक्शन हुआ, तो 300 × 5 करेंगे तो कितना होगा, 1500, यानी 1500, तो 1500 रुपये लूँगा उस कंडीशन में। यदि आप 1500 हुआ, तो अब मिनिमम रेंट का कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, यहाँ पर 1500 लेगा,
क्योंकि 1500 से 1000 कम है, तो लेज़र 1000 ना लेते हुए कितना लेगा, 1500 लेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको समझना है। मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि न्यूनतम किराया, यानी कि लेज़र क्या करता है, कम से कम किराया डिसाइड कर देता है कि भाई इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए कम से कम। आपका प्रोडक्शन कम हुआ तो उसकी मेरी गलती नहीं है, ठीक है, ऐसा ऑनर बोलता है। तो उसको बोलते हैं मिनिमम रेंट। अब हम मिनिमम रेंट के कॉन्सेप्ट को देखें लेज़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेज़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से नुकसान वाला कॉन्सेप्ट है ना। क्यों नुकसान वाला है, क्योंकि यदि सपोज़ करो यहाँ पर रॉयल्टी कितना बन रहा था 100 टन में, 500। यदि मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं होता इन दोनों के बीच में, लेज़र और लेज़ी के बीच में, तो क्या होता, वो 500 देता, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व कितना बन रहा था लेज़ी का, लेज़र को देने के लिए 500। लेकिन अब यदि मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट उसने 1000 का बना दिया है, तो 500 रॉयल्टी बनने के बाद भी उसको कितना देना पड़ेगा, 1000 देना पड़ेगा। यानी कि नुकसान किसका है, लेज़ी का है, लेज़र का नहीं है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, तो मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट लेज़ी के लिए तो नुकसान होता है, लेकिन लेज़र के हिसाब से फ़ायदा भी होता है, ठीक है। तो ये मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट हुआ न्यूनतम किराया। अगला होता है स्टूडेंट शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग को हिंदी में बोलते हैं लघु कार्य, ठीक है, लघु कार्य। सिंपल सा है, मीनिंग ये लघु कार्य, यानी कि इसका फार्मूला भी होता है, शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट। अब देखिए इसी कंडीशन में बताता हूँ आपको, ऊपर वाले में 100 टन का प्रोडक्शन हुआ, 5 रुपये के हिसाब से रॉयल्टी कितना बना, 500, लेकिन मिनिमम रेंट कितना था, 1000। तो शॉर्ट वर्किंग यानी लघु कार्य कितना हुआ, शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ भाई, एक्चुअल रॉयल्टी कितना बना यहाँ पर, 500 बना, मिनिमम रेंट कितना था, 1000 था, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1000 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 500। 500 का शॉर्ट वर्किंग हुआ, और ये नुकसान किसका हो गया, लेज़ी का, क्योंकि लेज़ी को कितना देना पड़ रहा है, 1000। यदि ये नहीं होता तो कितना देना पड़ता, 500। तो ये नुकसान हो गया, तो ये शॉर्ट वर्किंग। तो हम ये बोल सकते हैं कि शॉर्ट वर्किंग जो होता है वो लेज़ी के हिसाब से एक तरीके से लॉस ही होता है, ठीक है, ये शॉर्ट वर्किंग भी, ठीक है। अगली बात करते हैं स्टूडेंट सरप्लस की। सरप्लस इसका जस्ट ऑपोजिट। सरप्लस फार्मूला क्या आएगा, सरप्लस इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट माइनस मिनिमम रेंट। जब एक्चुअल रेंट ज़्यादा होगा, यानी 1500 यहाँ पर सपोज करो रॉयल्टी बना, और मिनिमम रेंट कितना था, 1000, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1500 में से 1000 गया तो कितना बचा, 500, 500 सरप्लस हुआ, तो ये एक तरीके से फ़ायदा हुआ। लेकिन आगे की टर्म से हमको समझ में आएगा कि ये सरप्लस फ़ायदा कैसे होगा, है ना, लेज़ी के हिसाब से, क्योंकि हमारे लिए लेज़ी की अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। लेज़ी के जितने भी अकाउंट्स, लेज़र अकाउंट्स बनाने को आते हैं, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आता है रिक्यूब्ड अमाउंट, इसको बोले रिक्यूब्ड अमाउंट, AMT लिखा मैंने, ठीक है। रिक्यूब्ड अमाउंट, ये टर्म रिक्यूब्ड और अनरिक्यूब्ड दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रिक्यूब्ड का मतलब क्या होता है, रिक्यूब्ड का मतलब होता है एडजस्ट करना, एडजस्ट करना। कैसे एडजस्ट करना, देखिए अब लेज़ी ने लेज़र को बोला, सपोज करो पहले साल इसने मशीन इसको दे दी, लेज़ी ने, लेज़र ने लेज़ी को। अब पहले साल इसने पूरा प्लांट को जमाने में लग गया, एक साल पूरा इसका, अब एक साल लग गया तो उस कंडीशन में प्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ, लेकिन मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट था, तो लेज़ी को कितना देना पड़ेगा, सपोज 1000 था तो 1000 देना पड़ेगा। तो ये इसका प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लेज़र को 1000 देना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में, और उस कंडीशन में लेज़ी लेज़र को बोलता है कि जब मेरा प्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ है, या जीरो प्रोडक्शन हुआ है, या मेरा प्रोडक्शन बिल्कुल कम हुआ है मिनिमम रेंट से भी, तो उस कंडीशन में मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ छूट दीजिए, कुछ रिलीफ दीजिए। तो फिर लेज़र बोलता है कि एक काम करो, मैं आपको रिक्यूब्ड का, एडजस्ट करने का एक छूट देता हूँ। कैसे एडजस्ट करने का, जैसे मान लो कि आपका पहले साल, यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ, सॉरी पेज, एक मिनट, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, फर्स्ट ईयर में एक्चुअल रेंट था 500, और यहाँ पे बात करता हूँ मिनिमम रेंट था 1000, ठीक है,
तो शॉर्ट वर्किंग कितना होगा, डेफिनेटली शॉर्ट वर्किंग होगा, कितना होगा 500 होगा, ठीक है। तो नुकसान किसका हुआ, लेज़ी का, कितना देना पड़ रहा है 1000, है ना मिनिमम रेट। तो लेज़ी ने जब उससे बात करी लेज़र से कि मेरा नुकसान हो रहा है, तो लेज़र ने बोला कि एक काम करो, आने वाले नेक्स्ट ईयर में, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, यदि आपका कोई सरप्लस होता है तो सरप्लस जितना भी होगा ये शॉर्ट वर्किंग उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब इसको आप अपने P&L से न देते हुए, यानी आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस लॉस को एडजस्ट न करते हुए आप अपने सरप्लस से कर लेना। अब सरप्लस कैसे, मान लो एक्चुअल रेंट अगले साल आपका 2000 का हुआ, सपोज करो, ठीक है, मिनिमम रेंट तो वही रहेगा 1000 का, ठीक है। तो सोचे सरप्लस कितना होगा इस कंडीशन में, सरप्लस कितना होगा 1000 का सरप्लस होगा। तो अब यदि सपोज करो वो यदि रिक्यूब्ड का, ये रिक्यूब्ड की कंडीशन, इस टाइप की कंडीशन नहीं बोलता, कौन, लेज़र, तो हमको कितना देना पड़ता, 2000 रुपये पूरे रॉयल्टी के रूप में देना पड़ता लेज़ी को, लेज़र को, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि लेज़र ने कंडीशन दे दी, मतलब उसको एक छूट दे दी एडजस्ट करने की। अब 1000 रुपये सरप्लस हुआ, तो ये जो 500 रुपये पहले के, पिछले साल के उसके शॉर्ट वर्किंग के थे, तो इसमें 500 रुपये एडजस्ट हो गए, ठीक है, एडजस्ट हो गए। कितना देना पड़ा अब उसको, 500 बच गया, तो 500 ये और 1000 ये, यानी कि 1500 रुपये ही देने पड़ेंगे उसको अब, क्योंकि 500 पहले उसने एडजस्ट कर दिया शॉर्ट वर्किंग में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे एडजस्टमेंट किया जाता है सरप्लस से, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया है, जब हम क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये तो था रिक्यूब्ड का, अब बात करते अनरिक्यूब्ड की। अनरिक्यूब्ड ट्रांसफर इन P&L अकाउंट, अनरिक्यूब्ड सेम जस्ट उल्टा हो गया कि ऐसा अमाउंट जो लेज़ी चाह कर भी उसको रिक्यूब्ड नहीं कर पाया, है ना, रिक्यूब्ड कर पाना, रिक्यूब्ड कैसे होगा, सरप्लस है, और जब सरप्लस होगा ही नहीं उसको तो रिक्यूब्ड कैसे करेगा, तो चाहकर भी रिक्यूब्ड नहीं कर पाया है, तो फिर ऐसा अमाउंट उसको कहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, P&L से फाइनली, यानी कि एक तरीके से ये लॉस हो गया, ये जो शॉर्ट वर्किंग था ये लॉस हुआ नहीं है, है ना, यदि सरप्लस नहीं होगा तब लॉस होगा, लेकिन ये फाइनली लॉस हो गया है और इसको P&L से अब भरना पड़ेगा उसको, किसको, लेज़ी को। तो इसमें भी, इसको भी अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्लियर है। पहली चीज़ एक्चुअल रेंट, जो एक्चुअल में रॉयल्टी बनता है, मतलब एक्चुअल में कैसे, मतलब जितना भी टन प्रोडक्शन हुआ मल्टीप्लाई पर टन जितना भी होगा उसका जितना भी रहेगा वो एक्चुअल हो गया। मिनिमम रेंट यानी न्यूनतम किराया, जो कि लेज़र डिसाइड कर देता है कि मैं कम से कम इतना पैसा तो लूँगा ही लूँगा, आपका चाहे प्रोडक्शन जीरो हो या बहुत कम हो, लेकिन मैं मिनिमम रेट यदि मैंने डिसाइड कर दिया तो उससे कम नहीं लेने वाला हूँ, है ना, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कौन डिसाइड करता है, लेज़र। शॉर्ट वर्किंग सिंपल सा है कि जब मिनिमम रेट ज़्यादा होगा और एक्चुअल रेट कम होगा तो शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा, नहीं लघुकार, एक तरीके से लॉस होता है लेज़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका प्रॉफिट, फ़ायदा है। सरप्लस मतलब एक्चुअल रेंट ज़्यादा हो रहा है और मिनिमम रेंट कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में सरप्लस हुआ तो वो सरप्लस कहाँ काम आएगा, रिक्यूब्ड में। यदि हमको रिक्यूब्ड की फैसिलिटी दी है, किसने, लेज़र ने लेज़ी को रिक्यूब्ड करने की फैसिलिटी दी है, तो फिर वो सरप्लस यहाँ पर काम आ जाएगा, ठीक है। और अनरिक्यूब्ड का मतलब जो अमाउंट हम रिक्यूब्ड नहीं कर पाए वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा P&L से, और एक तरीके से लॉस माना जाता है, लॉस ही हो गया, ये ट्रांसफ़र हो गया, मतलब लॉस हो गया लेज़ी की बुक्स का, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ बेसिक टर्मोलॉजी थी जो आपको समझना है, इसको एक दो बार फिर से वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रॉयल्टी अकाउंटिंग के लिए, और यदि ये टर्मोलॉजी आपको आ गई तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको रॉयल्टी अकाउंटिंग का टफ से टफ क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। बस आप मेरे साथ में जो मैं अगले नेक्स्ट वीडियोज़ आपको दूंगा वो आप ज़रूर पूरा देखें कॉन्सेंट्रेट होके, ठीक है, डेफिनेटली। और रॉयल्टी अकाउंट का क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।